Hello friends, welcome to the channel. Please like, share and subscribe. आज हम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चोरों के बारे में बात करते हैं। नंबर 10, डोरिस पेन। दुनिया में सबसे कुख्यात जीवित गहना चोरों में से एक के रूप में डोरिस पाइने एक पंथ व्यक्ति है। उसकी 6 दशकों की आपराधिक गतिविधि को 2013 की एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें उसने अभिनय किया में अमर कर दिया था, जिसमें उसकी सबसे कुख्यात डकैती की कहानी भी शामिल थी। 1970 के दशक में मोंटे कार्लो में $5,00,000 की 10 कैरेट की हीरे की अंगूठी अक्सर एक अमीर ग्राहक के रूप में प्रस्तुत करते हुए और मिश्रित फिनरी को करीब से देखने के लिए कहते हुए पाइने तब आकर्षक स्टोक क्लर्क को आकर्षित करती और विचलित करती और अपनी पसंद की वस्तु को अपने बैग में रख देती। अंततः 2011 में 80 वर्ष की उम्र में पकड़ा गया और कैद किया गया। 1 कैरेट हीरे की अंगूठी चोरी करने के लिए कम नहीं, वेस्ट वर्जीनिया ने धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। तब से उसे कई बार गिरफ्तार किया गया है और उस पर उत्तरी कैरोलिना में $33,000 की हीरे की अंगूठी चुराने का भी संदेह है। नंबर 9, डेरिक बर्टी स्मॉल्स। 1960 और 70 का दशक ब्रिटिश सशस्त्र डकैतियों के लिए एक स्वर्ण युग था और डेरिक बर्टी स्मॉल खेल की ऊंचाई पर था। 15 साल की उम्र में खुद को अपराध के जीवन के लिए प्रतिबद्ध कर रहा था। स्मॉल का पीस डी रेजिस्टेंस उसकी डकैती थी। 1970 में इलफोर्ड बाकले की बैंक शाखा में एक विशाल £2,37,000 की जेब में उस समय एक रिकॉर्ड दृश्य से भागकर पूर्वी लंदन के मूल निवासी पेरिस और बाद में कोस्टा डेल सोल में भाग गए, जहां उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से अपने कब्जे के लिए शिकार का पीछा किया। नंबर 8, कार्ल गुगेसियन। सांख्यिकी और संभाव्यता में पीएचडी के साथ एक आईवी लीग शिक्षित सेना अधिकारी कार्ल गुगेसियन का शायद कभी भी करियर अपराधी बनने का इरादा नहीं था। अपने खाली समय में नकली डकैतियों की एक श्रृंखला की योजना बनाने के बाद, हालांकि पेंसिल्वेनिया के मूल निवासी एक सजायाफ्ता किशोर अपराधी ने फ्राइडे नाइट बैंक रॉबर के रूप में एक कुख्यात प्रतिष्ठा विकसित करना शुरू कर दिया। डकैतियों की उनकी सावधानी पूर्वक योजना के लिए जाना जाता है। उनकी अधिकांश डकैती जंगलों के पास छोटे शहर के किनारे थे, जो एक बेहतर भागने के मार्ग की अनुमति देते थे, और डकैती करते समय भीषण चेहरे के मुखौटे पहनने के लिए गुगेसियन को अंततः ट्रैक किया गया और 2002 में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद की जांच में सहयोग करते हुए उनकी सजा को 115 साल से घटाकर 17 कर दिया गया। इस बीच गुगेसियन अब अन्य कैदियों को पथरी सिखाता है। नंबर 7, फ्रैंक एबगनेल जर। 2002 के कैच मी इफ यू कैन में स्टीवन स्पीलबर्ग और लियोनार्डो डी कैप्रियो द्वारा अमर फ्रैंक एबगनेल जूनियर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चोर पुरुषों में से एक है। एक एयरलाइन पायलट, एक डॉक्टर, एक वकील और एक जेल अधिकारी को सफलतापूर्वक प्रतिरूपित करने के बाद एबगनेल को अंततः 1969 में फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका में प्रत्यर्पित किए जाने से पहले वहां एक छोटी जेल की सजा, साथ ही स्वीडन में अतिरिक्त 6 महीने की सजा सुनाई गई थी, जहां उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई। 1974 में अपने पैरोल के बाद उन्होंने एक सुरक्षा सलाहकार के रूप में एक वैध करियर शुरू किया, बैंकों को धोखाधड़ी रोधी उपायों पर सलाह दी, जबकि वह अपनी एबगनेल एंड एसोसिएट सुरक्षा फर्म के माध्यम से एफबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। वो एफबीआई एजेंट जोसेफ शी के साथ भी घनिष्ठ मित्र बना रहा, वह व्यक्ति जिसे मूल रूप से उसे पकड़ने का काम सौंपा गया था 2005 में शिया की मृत्यु तक। नंबर 6, अल्बर्ट स्पैजियारी। मृत्यु लेखों में घुड़सवार और स्टाइलिश के रूप में वर्णित अल्बर्ट स्पैजियारी का जीवन निश्चित रूप से एक डुमास उपन्यास की तरह पड़ता है। सुदूर दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद से जुड़े एक पूर्व पैराट्रूपर स्पैजियारी पर आरोप लगाया गया था कि उसकी दीवार पर एडोल्फ हिटलर का चित्र था। उसने 1976 में सशस्त्र डकैती में सफलतापूर्वक हाथ आजमाने से पहले चिली की खुफिया सेवाओं के लिए एक मुखबिर के रूप में समय बिताया। एक अनुमानित चोरी नीस में सोसाइटी जनरल बैंक से 30 मीटर से 100 मीटर फ्रैंक स्पैजियारी को बाद में एक साल बाद पुलिस हिरासत से भागने से पहले एक परिचित द्वारा डब किया गया था। नंबर 5, जेसी जेम्स। अमेरिकी गृहयुद्ध युग के एक महान अपराधी जेसी वुडसन जेम्स अपनी तरह के पहले लोगों में से एक थे। कॉन्फेडरेट मिलिशिया के साथ लड़ते हुए कई करीबी शेवों से बचने के बाद उन्होंने जेम्स यंग गिरोह का गठन किया, जहां तक और टेक्सास तक डकैती हुई। इनमें से कई डकैतियों को भीड़ के सामने किया गया था,
उनके लिए एक नाटकीय तत्व के साथ रॉबिन हुड जैसे व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए। जेम्स को 1882 में एक अन्य आपराधिक परिचित रॉबर्ट फोर्ड द्वारा कुख्यात रूप से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी खुद 1892 में बदला लेने के लिए हत्या कर दी गई थी। तब से उन्हें लोकनायक और विद्रोही के रूप में चित्रित किया गया है, विशेष रूप से अमेरिकी दक्षिण में। नंबर 4, बिल मेसन। सर्वोत्कृष्ट सज्जन गहना चोर बिल मेसन ने ग्लैमरस हाई सोसाइटी गेट टुगेदर में भाग लेकर मिश्रित मेहमानों के साथ विद्वतापूर्ण तरीके से जीवन यापन किया और फिर उन्हें अंधा लूट लिया। अपने करियर के दौरान लगभग $35 मिलियन के आभूषण चुराने का अनुमान है। रॉबर्ट गॉलेट, आर्मंड हैमर और फिलिस डिलर उनके पीड़ितों में से थे। मेसन ने 2004 के एक संस्मरण कन्फेशंस ऑफ ए मास्टर ज्वेल थीफ में अपनी कहानी का दस्तावेजीकरण किया, जहां उन्होंने यह भी बताया कि वह कैसे जॉनी वीस्मुल्लर ऊपर से चुराए गए ओलंपिक स्वर्ण पदक को अपराधबोध से वापस लौटा दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ 2004 के एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने अपराधों के भावनात्मक प्रभाव के लिए खेद व्यक्त किया, विशेष रूप से अपने परिवार पर। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या मौका दिया जाए तो क्या वह यह सब फिर से करेंगे, उन्होंने तर्क दिया कि वह वादा करने में सक्षम नहीं, अन्यथा। नंबर 3, वीरप्पन। एक अन्य विभाजनकारी व्यक्ति मुनिसामी वीरप्पन मल्ल, जिसे आमतौर पर सिर्फ वीरप्पन के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय डाकू था जिसने 2004 में एक विशेष कार्य बल के हाथों अपनी मृत्यु से पहले पुलिस की पकड़ से बचने में लगभग 30 साल बिताए थे। शुरुआत में हाथी दांत और चंदन के एक प्रभावी शिकार और तस्कर के रूप में अपना नाम बनाते हुए वीरप्पन ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति के लिए और अधिक कुख्यात प्रतिष्ठा विकसित की। उसने कई पुलिस अधिकारियों और शिकारियों विरोधी, साथ ही स्थानीय नागरिकों को मार डाला, जिन पर उन्हें पुलिस मुखबिर होने का संदेह था। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में वीरप्पन ने कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तियों का अपहरण और फिरौती भी दी। हालांकि उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन वे भारत में एक अत्यधिक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। नंबर 2, वंचेंजो पेरेजिया। 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी कला चोरी के रूप में वर्णित की गई वास्तुकार और अपराधी विंसेंजो पेरुगिया का अपराध अपनी सादगी में लगभग हंसने योग्य था। अगस्त 1911 में उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में पेरिस में लोवर संग्रहालय में प्रवेश किया, मोनालिसा को उसके फ्रेम से हटा दिया और उसे एक बागे के नीचे छिपाकर बस उसके साथ सामने के दरवाजे से बाहर चला गया। 2 साल बाद पेंटिंग की बाड़ लगाने की कोशिश करते समय आखिरकार पकड़ा गया। पेरुगिया का मकसद कुछ बहस का विषय था। कुछ लोगों का तर्क है कि उसने एक नकली यवेस चौरों के साथ एक सौदा किया जो प्रतियां बेचने के लिए थी, जबकि अन्य जिसमें अदालत ने उसे सजा सुनाई थी का मानना कि वह देशभक्ति के कारणों से पेंटिंग को इटली वापस करना चाहता था। किसी भी तरह से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतालवी सेना में सेवा करने से पहले पेरुगिया ने केवल 1 वर्ष जेल में बिताया। इटली में एक नायक माने जाने वाले 1925 में 44 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 1, नटवरलाल। मूल रूप से व्यापार के एक वकील मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें नटवरलाल के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय चोर आदमी था जिसने 50 से अधिक उपनाम विकसित किए, जिससे उद्योगपतियों को पैसे से धोखा देने के लिए कई नए तरीके तैयार किए गए। एक प्रतिभाशाली जालसाज, उनकी हस्ताक्षर चाल एक सरकारी अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रही थी और ताजमहल को भोले भाले विदेशियों, साथ ही लाल किला, राष्ट्रपति भवन और भारत के संसद भवन जैसे अन्य भारतीय स्थलों को बेच रही थी। वह अपने विशिष्ट करियर के दौरान कई बार जेल से भागे, जिसमें 1996 में जब 84 वर्ष की आयु और व्हीलचेयर से बंधे वह किसी तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने बंधुओं से बचने में कामयाब रहे। आखिरी बार उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा गया था। उनकी मृत्यु की तारीख अनिश्चित है। नटवरलाल के वकील ने दावा किया कि उनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, जबकि उनके भाई का दावा है कि 1996 में उनका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन उनकी किंवदंती निश्चित रूप से जीवित है। जो कोई भी भारत में एक विशेष रूप से स्मार्ट चोर को खींचता है उसे नटवरलाल कहा जाता है। Please like, share and subscribe.